तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मौज में? तो अभी जस्ट मैं चाय पी रहा हूँ और मैंने अभी सूजी का हलवा भी खाया था जो कि ख़त्म हो चुका है, और मैंने गुड्डे बिस्किट खाया चाय के साथ, ये भी ख़त्म हो चुका है। अब बची है तो सिर्फ चाय। तो गाइस, वैसे तो मुझे आज व्लॉग शूट करना था, पर जब मैं सुबह उठा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज भूख लगी थी, तो मैं जल्दी से ब्रश किया हूँ, तुरंत चाय बिस्किट और ये सब हलवा खाया हूँ, उसके बाद व्लॉग चालू कर रहा हूँ। क्योंकि भाई पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो मुझे आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपसे बात करनी है, और वो बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, मतलब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। लेकिन उससे पहले हम चल के नहा लेते हैं, क्योंकि अभी बजे सुबह के 10 और अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ, और मम्मी डैडी हमसे बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि भाई साहब नहा लो जाके, सुबह के 10 बज रहे हैं। इतने मतलब पता है मेरी मम्मी खास कर क्या कहती है, मतलब हम अप्रॉक्स 9 बजे तक ही उठते हैं, 9:30, क्योंकि मैं रेट क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं रात में लेट तक जागता हूँ। हाँ, देखिए मैं रात में लेट सोता हूँ और सुबह लेट जगता हूँ, अप्रॉक्स 9 और 9:30 बजे तक जग जाता हूँ। बीच में एक टाइम जगता हूँ 7:30 बजे, क्योंकि मुझे अपने भाई को छोड़ने आना होता है स्कूल, और मम्मी बुला रही, क्या हुआ? अरे हम व्लॉग कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस रुकी बताता हूँ। तो मैं कह रहा था कि मैं बीच में उठता हूँ 7:30 बजे, अपने भाई को छोड़ने आता हूँ, उसके बाद आके वापस सो जाता हूँ घर पे, और फिर 9 बजे उठता हूँ, और कई बार भाई नहीं भी सोता हूँ। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि इतने बजे तक तुम सोते हो, इतने बजे तक दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती होगी, बच्चे छोटे छोटे सुबह सुबह उठ के स्कूल चले आते हैं, क्या से क्या कर देते हो, तुम सोते ही रहते हो, इसलिए चल के नहा लेते हैं पहले। है मम्मी, घर में जल्दी आती है क्या? सुबह जल्दी उठना, हाँ, शाम को सोना नहीं चाहिए, घर की लक्ष्मी चली जाती है, मालूम है? और मैं दोनों ही मेरा लड़का बहुत नालायक, बहुत नालायक। अरे अच्छा, बस बहुत अच्छा लड़का। देखिए गाइस, मम्मी मशरूम की सब्जी बना रही हैं, मम्मी को मशरूम बहुत ज्यादा पसंद है, क्यों? चलिए ठीक, जाओ नहाते, जाओ जल्दी नहाओ। तो चल के नहाते हैं। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी, हमने नहा लिया है गाइस, और कैसा लगा मेरा लुक? बढ़िया। हाँ, तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ व्लॉग के लिए, हाँ सही कह रहा हूँ। तो गाइस देखिए, 8 तारीख से मेरा चालू हो रहा है LU का सेमेस्टर। मम्मी आज कितनी तारीख है? 6 मतलब परसों चालू हो रहा है, और तब मैं उस हफ्ते बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भाई मेरा एग्ज़ाम चलेगा, तो मैं थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, और मतलब बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा तब तक के लिए क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए, करना मुझे नहीं, करना आप लोग को है। और आप लोग करना क्या है, आप लोग को 7 डेज में मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने हैं। मजाक नहीं कर रहे, सीरियस हैं। तो गाइस मैंने चैलेंज दिया है अपने आप को, बेसिकली आप लोग को, कि अगर आप लोग ने मेरा 7 डेज में 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए, अचीव करवा दिए, तो मैं चालू कर दूंगा डेली ब्लॉग्स। उसके बाद मैं डेली ब्लॉग करूंगा, इन केस अगर मेरे 7 डेज में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं। वैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, पर कोई बात नहीं, आप लोग भाई कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग चाहें किसी इंसान को यहाँ से वहाँ पहुँचा दे, वहाँ से यहाँ पहुँचा दे, और कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग को बस इतना करना है कि इसको, वीडियो को खूब शेयर करना है अपने फैमिलीज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जितने लोग को कर सकें शेयर करिए, इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए। थोड़ा ज़्यादा लाइक कमेंट करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिथम थोड़ा इसको ग्रो करेगा, इस पर ज़्यादा इंप्रेशन देगा, तो हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा अच्छी मतलब जो ये है चैलेंज है वो पूरा हो जाए, और मतलब देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। वैसे मुझे लगता तो नहीं है, पर मतलब देखते हैं जो भी होगा। तो अगर 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाते हैं तो मैं करने वाला हूँ उसके बाद डेली व्लॉग्स, और फिर भाई मैं डेली व्लॉग करूँगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि मैं डेली क्या करता हूँ। ऐसे कुछ करता नहीं, बस खाता पीता सोता हूँ, घूमता हूँ, पढ़ता भी हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, तो बस यही था मतलब मेन बात जो मुझे आपसे करनी थी, और ये बहुत दिनों से मैं सोचा था। वैसे देखा जाए तो इस समय जो करेंट मेरे प्रेजेंट में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरे 139 सब्सक्राइबर हैं, और मुझे अचीव करना 1000 इन 1 वीक, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मतलब ज़्यादा मार्जिन है 139 और 1000 में। अब देखते हैं वो कितना अचीव होता है, इतना 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 कि कुछ भी नहीं। पर यार गाइस करवा दीजिए प्लीज़, अगर आपको डेली व्लॉग्स देखना है मेरी ज़िंदगी का, आपको रोज़ मुझे देखना है कि मैं क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या क्या मतलब समझ सकते हैं ना। तो बस आपको यही चैलेंज है कि आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए 1 वीक में, उसके बाद मैं चालू कर दूँगा डेली व्लॉगिंग। गाइज हर्षित भैया के ना 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए 1 वीक में, है ना, फिर हम उनको रोज़ रोज़ देखेंगे, उनके डेली व्लॉग्स बहुत मज़ा आएगा, वो क्या करते हैं रोज़ रोज़ मज़ा ही आ जाएगा। गाइज प्लीज़ करवा दीजिए, मैं उनको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्लीज़। देखिए गाइज, आप लोग को
ये जो हर्षित नाम का लड़का है इसके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर करवाने हैं इन 1 वीक, मतलब कि 7 दिनों में। तो कृपया करके इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिए, उसको सपोर्ट करिए, उसके 1000 सब्सक्राइबर करवा दिए 7 दिन में, फिर वो डेली व्लॉग डालेगा, हम उसको डेली देखेंगे, ठीक है? समझे? समझ जाइए। हर्षित के लिए व्लॉग्स बहुत अच्छा लगता है, उसके 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, प्लीज प्लीज करवा दीजिए, यू कैन डू इट। तो मम्मी क्या लगता है आपको, मेरे 1 हफ्ते में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे 1 वीक में? हां बिल्कुल, भगवान का नाम लो, साईं बाबा का, ओम साईं राम, हो जाएंगे बिल्कुल। देखिए गाइस, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो 1000 सब्सक्राइबर करवा देंगे। बिल्कुल करते हैं, सब हर कोई अपनी माँ से प्यार करता है, हो जाएंगे ना पक्का? बोल दिया एक बार, बोल। हां बिल्कुल होंगे। माय डैडी जा रहे हैं ऑफिस, रेडी बताइए, होंगे 1000 सब्सक्राइबर 7 डेज में? 100%। तो गाइस देखिए, हमारे चैनल पे हमसे ज्यादा मेहनत हमारे डैडी करते हैं, मतलब ये वीडियो शेयर करना, वीडियो प्रमोट करना, बताना लोगों की यार मतलब मेरे बेटे का चैनल है, हम तो बिल्कुल नहीं करते, पर हमारे डैडी इतना ज्यादा करते हैं, अपने सारे कस्टमर, व्हाट्सएप जितने ग्रुप है सब पे शेयर करते हैं। तो इन्हीं के लिए करवा दीजिए 1000 सब्सक्राइबर, मतलब 1 डे बता रहे हैं, 7 वीक, 7 डेज में, 1 वीक में, हो जाएंगे ना पक्का? बोल दीजिए पक्का। अगर अपने पापा से प्यार करते हो तो आप करवा देंगे? सबको पापा मम्मी डैडी का बाय बाय। आज का दिन काफी ज्यादा मेरा शेड्यूल्ड है, तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मेरी एक बुआ है उनको लेने, क्योंकि मेरी मम्मी और बुआ मेरी वो लोग जा रही हैं छोटी मौसी को हॉस्पिटल विजिट करने, क्योंकि मेरी छोटी मौसी नन्ना सा प्यारा छोटा सा बेबी हुआ है, तो ये लोग वहाँ जाएंगे, तो इन लोगों को मुझे छोड़ने जाना भी पड़ेगा अभी, तो भाई चल के बुआ को घर पे लाते हैं, फिर घर से मम्मी और बुआ को लेके जाएंगे हॉस्पिटल पे जॉब करने, और उसके बाद मुझे कुछ काम है, तो पहले ये वाला काम निपटाते हैं। वाह गाइस क्या रोडे हैं, मज़ा ही आ गया। तो गाइस हम पहुँच चुके अपने मौसी के यहाँ, अब चलते हैं अपनी बुआ को लेते हैं, और गाड़ी नहीं रुक रही थी यार। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे बताओ? कहाँ जा रहे बताओ? हॉस्पिटल। किसके पास? बाबू के पास। ओ बाबू के पास, दे दो परी, दे दो पली, पली लो, पली 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 पली, आओ आओ आ जाओ आ जाओ, वदी माजा चलिए। मम्मी परी परी, हम सब लोग निकल रहे हैं अब हॉस्टल के लिए, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग को लेट हो रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप पड़ गई, मतलब जब मैं मौसी घर से अपने घर आया हूँ तो भाई साहब लिटरली मतलब लगा था कि एकदम जल जाएंगे, तो काफ़ी लेट हो गया, जल्दी चलते हैं, निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए, लेट्स गो। तो गाइस हमको रास्ते में जरा एक डिस्पोजल ग्लास और डिस्पोजल प्लेट लेना था, और पुलिस वालों ने गाड़ी मतलब पहले हम लोग की रोक दी थी, मतलब लगा यहाँ से कोई पॉलिटिशियन निकलने वाला है चौराहे से, भाई आप देख सकते हैं एकदम चौराहा पूरा बंद कर रखते हैं, ये देखिए उधर भी काफ़ी पुलिस वुलिस खड़ी हुई है पब्लिक, कौन कौन है? अच्छा गाइस आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये वीआईपी वाली जो ये सुविधा है मतलब सब गाड़ियों को रोक दिया जाता है, क्या ये सही है या फिर गलत है? हो सकता है भाई कोई एम्बुलेंस, किसी की इमरजेंसी हो, वो फंसी हो ट्रैफिक में, जिन लोगों की गाड़ी रोक रखे रहते हैं, मेरे हिसाब से भाई ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है, आप हिसाब से कैसा है ये? तो गाइस हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, और अब जल्दी से मम्मी को यहाँ पर ड्रॉप करके छोड़ के उसके बाद हम यहाँ से निकल लेंगे, हमें एक जगह और जाना है अभी। तो गाइस मुझे एक जगह और जाना था पर वहाँ का प्लान कैंसिल हो चुका है, तो अब मैं यहीं पे हॉस्पिटल में स्टे करूँगा अपनी मम्मी लोग के साथ में, और फिर शाम में हम लोग घर निकल जाएंगे, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी भाई 6% वेल बची है, तो मैं व्लॉग भी नहीं कर पाऊँगा, तो अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, और गाइस याद रखिएगा 1000 सब्सक्राइबर इन 7 डेज, याद रखिएगा हाँ, करवा दीजिए प्लीज़, उसके बाद मैं डेली व्लॉग करूँगा, तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, इट्स हर्षित, ओह सॉरी, अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक सब्सक्राइब सब करिएगा, और याद से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो बस आज के लिए इतना ही, इट्स हर्षित, बाय बाय, ओम साईं राम।